अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी मैं आई हूँ इस वक्त लकी वन मॉल, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है। ये मौजूद है राशिद मिन्हास रोड पर और ये नहायत खूबसूरत नीट एंड क्लीन बना हुआ है और इसको देखने के लिए मुल्क भर से दूर दूर से लोग आते हैं, स्पेशली इसको विज़िट करते हैं, इसकी खूबसूरती देखते हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ की जो शॉप्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और यहाँ पे एक ही छत के नीचे बहुत सारी ब्रांड्स मौजूद हैं। हर तरह की आपको एक ही जगह पर हर तरह की ब्रांड्स मिलेंगी और आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर तरह की। आप अपने घर के लिए फर्नीचर की भी यहाँ पे शॉप है और कपड़ों की भी और जूतों की भी और मेकअप की भी, हर तरह की आप इस पर शॉपिंग कर सकते हैं। ज्वेलरी भी मौजूद है, गोल्ड एंड डायमंड, यहाँ पे सब आप एक ही छत के नीचे शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि आप देख रहे हैं मौजूद हैं, इडन रोब, निशात लीलन, जे डॉट, अलकराम, गुल अहमद, जो कि ऑलमोस्ट दूसरे बाज़ार में भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन इनकी जो शॉप्स के साइज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। इजीली आप घूम फिर सकते हैं, अच्छी से अच्छी वैरायटी यहाँ पे मौजूद होती है। अभी हम मौजूद हैं इडन रोब में, यहाँ पे फ्लैट 50% ऑफ लगी हुई थी, 25% ऑफ अनस्टिच पे थी और स्टिच जो मैन क्लोथिंग है उस पर 50% ऑफ थी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा फैब्रिक समर के हिसाब से यहाँ पे मौजूद था, कलर भी बहुत अच्छे थे और 3000 में आपको पूरा शलवार कमीज मौजूद था। और एक मैंने भी अपने हस्बैंड के लिए लिया, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा था, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइनिंग हुई हुई थी उसके ऊपर और 3000 तो बहुत ही कम प्राइस है। किसी भी ब्रांड से आप बाय करें तो 6-7 हज़ार का होता है ऑलमोस्ट सूट। ये मुझे 50% में बहुत अच्छा मिल गया और ये वेस्ट कोट बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे मौजूद थी, हर कलर की आप लोग मैच करके ले सकते हैं 50% ऑफ में। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी, साइजेस अवेलेबल थे हर तरह के, बड़े से बड़ा साइज़, छोटे से छोटा साइज़ मौजूद था। और मुझे इनका कपड़ा बेसिकली बहुत पसंद आता है। लास्ट ईयर मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक सूट ख़रीदा था ब्लैक कलर में, वो जब जब पहनते हैं उनकी तारीफ़ होती है और बहुत ही अच्छा उसका कपड़ा है, वो ख़राब भी नहीं हुआ। और यहाँ पे बच्चों के भी स्टिच अनस्टिच फॉर्मल सेमी फॉर्मल कपड़े मौजूद थे, बच्चों के पार्टी वेयर के भी बहुत अच्छी एक फ्रॉक यहाँ पे मौजूद थी और बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए भी आप यहाँ से ले सकते हैं, कैजुअल भी समर के हिसाब से ले सकते हैं आप, बहुत अच्छे कपड़े मौजूद थे। और दूसरी भी यहाँ पर बहुत सारी ब्रांड्स हैं, आप इनसे ले सकते हैं, एथनिक है यहाँ पर, जीन है और जलबेरी है, MTJ है और बहुत ज़्यादा है। मैं एक ही वीडियो में सबके नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती क्योंकि 10 से ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड मौजूद हैं और एक ही विज़िट में तो आप पूरा घूम ही नहीं सकते ऑलमोस्ट। मैं तो 15-16 टाइम या उससे भी ज़्यादा आ चुकी हूँ और आज तक मैंने ही पूरा नहीं देखा। इतना बड़ा मॉल है, देखें ये कितनी अच्छी, यहाँ पर खाड़ी भी है, जलबेरी भी है, साया है, लाइम लाइट है और ये भी TW है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड मौजूद हैं, आउटफिटर है, यहाँ से बहुत अच्छे आदमियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। ब्रेकआउट है जहाँ पे बच्चों के शूज़ भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, समर के हिसाब से आपको जो भी ख़रीदारी करनी हो तो आप एक ही जगह से ले सकते हैं। सफ़ायर के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, सफ़ायर की लॉन बहुत अच्छी होती है, मैं यहाँ से भी शॉपिंग करती हूँ और मुझे इनका स्ट्रिच कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको बिल्कुल फिट आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बना हुआ इतना खूबसूरत है जैसे हम ऐसा लगता है बाहर के मुल्क में कोई घूम रहे हैं, क्योंकि बाहर ममालिक में इस तरह के बने हुए होते हैं और जितने भी मॉल हैं कराची उनकी नस्बत ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग आते हैं और वीडियो बनाने के लिए आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, टिकटॉकर आते हैं और बच्चों की शॉपिंग के लिए, बच्चा पार्टी में, देखें आपने थोड़ी लास्ट दिनों देखी होगी अमन मिनाल जो है बच्चा पार्टी से शॉपिंग करती हुई नज़र आती है, तो ये भी बहुत बड़ी ब्रांड है। और यहाँ पे अक्सर प्रमोशन, फिल्मों की प्रमोशन के लिए भी लोग आते हैं। अभी जो इनकी आई थी फिल्म हुमायूं सईद और महवेश हयात की, तो वो लोग भी आए हुए थे, सारा खान भी अपने ड्रामों की प्रमोशन के लिए, आयजा खान, हीरा मानी, ये सब अपनी फिल्मों के लिए, अपनी जो ब्रांड्स हैं हीरा मानी की, परफ्यूम्स वगैरह लॉन्च होते हैं तो यहाँ पे सब आते हैं, प्रमोशन होती है। यहाँ पे नीचे बिल्कुल प्रमोशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सा हॉल बनाया हुआ है और सब यहाँ स्टेयर्स पे बैठते हैं, प्रमोशन होती है, शोज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के लिए इन्होंने स्पेस नीचे दिया हुआ है, अंडरग्राउंड भी है। और अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ये रंगजा पे देखें कितनी अच्छी कलरफुल वैरायटी मौजूद है। और यहाँ एक प्ले एरिया भी बना हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त प्ले एरिया है, मेरे बच्चे तो जब जाते हैं तो लाजमी वहाँ जाते हैं, वंडरलैंड के नाम से प्ले एरिया है, उसमें एक पार्टी एरिया भी मौजूद है जहाँ पर आप बर्थडे पार्टी कर सकते हैं,
वो हर वक्त आप अवेलेबल होते हैं, हर तरह की सजावट वहाँ पे आप करवा सकते हैं। कार्टून कैरेक्टर्स के हिसाब से अगर आपको जो थीम है उसी हिसाब से आप करवा सकते हैं, यूनिकॉर्न मिकी माउस जो भी कार्टून कैरेक्टर आप देंगे, जो भी थीम होगी ब्लैक एंड वाइट जो भी होगी मल्टी कलर जो भी आप अपने हिसाब से वहाँ पे करवा सकते हैं। पार्टी एरिया बहुत बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे सेल तो हर ही दूसरी ब्रांड पे लगी है, फ्लैट 40 फ्लैट 50 और बहुत ज़्यादा स्टॉक अच्छा मौजूद होता है। ये देखिए मैं आ गई हूँ इस वक्त प्ले एरिया की तरफ और यहाँ पे फूड कोर्ट बहुत मौजूद है जहाँ पे इतना रश होता है कि सीट्स के लिए आपको 5 मिनट खड़ा रहना पड़ता है कि कब कोई उठे कब कोई जाए तो फिर सीट्स खाली हों। और यहाँ की मशहूर ब्रांड मिनी माइनर, ये तो मुझे लव है इसके, अपने बच्चों के लिए फ्रॉक जो होती है फैंसी मैं यहीं से ख़रीदती हूँ और बहुत अच्छा इसका स्टॉक होता है, बहुत अच्छा होता है। बच्चे कपड़े पहन पहन के थक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं लेकिन कपड़े कभी नहीं ख़राब होते हैं। मैंने भी लास्ट दी थर्ड बर्थडे की भी यहाँ से ली थी, अभी फोर्थ बर्थडे की भी अपनी बेटी की यहीं से ली है और छोटी बेबी की भी अपने यहाँ से शॉपिंग करी। इनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साइज़ बहुत अच्छे होते हैं और ये कि इस पर अभी 50% ऑफ लगी हुई तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, ईद की शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पर और स्पेशली बाहर मुल्कों में होता है कि आपके बच्चे अगर पतले हैं तो बस वो बैगी बैगी साइज़ मिलते हैं। मुझे यहाँ पे ये सहूलत मिलती है कि मुझे यहाँ पे अपने बच्चों के हिसाब से फिट पूरे अच्छे स्मार्ट फिटिंग मिल जाती है। छोटे बच्चों का बहुत अच्छे शूज़ वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी वैरायटी आपको एक जगह पे मिल जाती है। क्योंकि अभी विंटर का आया तो यहाँ पे विंटर का भी कलेक्शन मौजूद है, विंटर का ही अपना स्टॉक ख़त्म करें, लेकिन अगर आप पहले से ले लेंगे विंटर के लिए तो अगले साल आपको नहायत हसीन वैरायटी आपके पास मौजूद होगी। और जो कि विंटर आते हैं बहुत महंगी कर देते हैं। देखिए कितनी प्यारी है चेक की फ्रॉक लग रही है, बहुत ये मिक्की वाली ये स्वेट शर्ट्स बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी मौजूद है। क्या आप स्वेट शर्ट सिंपल प्लेन पैंट पे पहना सकते हैं और ये एम्ब्रॉयडरी वाले सूट, और इनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है, फैब्रिक बहुत अच्छा होता है दूसरी ब्रांड्स के मुकाबले में। मुझे मिनी माइनर्स लिए अच्छा लगता है, इनका ब्रांड आफ्टर वॉश भी ख़राब नहीं होता। ये मैंने अपने बेटे के लिए डेनम की ये कुर्ती ली थी जो कि उसको बहुत पसंद है डेनम, तो उसको मैं ज़रूर उसके पास होती है। और ये देखिए यहाँ पे एस्केलेटर भी है, एलिवेटर भी है, चूँकि मैं बच्चों की वजह से ज़्यादा एस्केलेटर पे यूज़ नहीं करती तो एलिवेटर ही यूज़ करती हूँ, सेफ होता है बच्चों के लिए और जल्दी से आप पहुँच जाते हैं। अब मैं आई हूँ वंडरलैंड जो कि बच्चों का मेरा फेवरेट है। यहाँ पे आप कार्ड में कार्ड बनता है 5000 का, उसके बाद आप उसमें 1000, 3000, 2000 जितने भी डलवाना चाहें डलवा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी राइड्स हैं, बच्चों का प्ले एरिया है, छोटी वाली को भी प्ले एरिया में भेज देती हूँ, बड़ी वाली को भी प्ले एरिया में भेज देती हूँ 1 घंटे के लिए। और छोटी वाली के साथ तो मैं खुद जाती हूँ। और रोलर कोस्टर है, बड़ी बड़ी राइड्स है, बहुत ही डेंजर यहाँ पे झूले हैं। ये देखिए अभी विंटर आया हुआ था तो ये विंटर के हिसाब से इन्होंने इंटीरियर करा हुआ है बच्चों के लिए। यहाँ पे आप सेल्फी लें, तस्वीरें बनाएं, बच्चे इस सब चीज़ों से बहुत इंटरटेन होते हैं। स्पेशली सिर्फ घूमने के लिए भी लोग आते हैं, फूड कोर्ट में खाते पीते हैं और फूड कोर्ट में भी यहाँ पे हर तरह की ब्रांड फ्रेंचाइज मौजूद है। जो भी आप खाना चाहें, आप ट्रेडिशनल खाना चाहें, बारबेक्यू टू नाइट भी यहाँ पे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे, और बुफे भी है यहाँ पे चाइनीज़ कुजीन के नाम से और बहुत बहुत कुछ है। मतलब एक वीडियो में तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती, क्योंकि मैं दिन के टाइम आई थी तो आराम से मैंने शॉपिंग की और अब मैं जा रही हूँ घर की तरह। आप लोग सब बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह किस मॉल की वीडियो देखना चाहेंगे, मुझे लाजमी फीडबैक बताइएगा। आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप जो है वो लाइक करें, घर बैठे विज़िट कर सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें, अपनी फीडबैक ज़रूर देगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।